तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉफी शॉप से, जिसमें हमारे फ्रेडी यानी डॉक्टर आर्यन एक लड़की से मुखातिब होते हैं जो इनको एक मैट्रिमनी साइट से मिली हुई होती है, और ये दोनों शादी की बात करने आए हुए होते हैं। अब लड़की जब इनसे कुछ पूछती है तो ये ठीक ठाक उसका जवाब नहीं दे पाते, तो लड़की उनके बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं होती और वो उठकर चली जाती है। तो इस तरीके से फ्रेडी साहब की जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी अकेली, खाली, पीली, थोड़ी सी अटपटी सी जिंदगी वो जी रहे होते हैं। बचपन में अपनी ही माँ का खून होते हुए वो देख लेता है जो कि उसके बाप ने किया होता है, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। बचपन से ही उसे अपनी उसकी किसी ग्रैनी ने पाला होता है। अब अचानक से ये एक पार्टी में घूम रहे होते हैं, तो वहां पे इनकी मुलाकात कायनाज से होती है जो कि अकेली गुमसुम खड़ी होती है। तो ये सोचते हैं कि वो मुझे देख रही है, अब ये जाके उससे बात करते हैं, तो इतने में उस कायनाज का हस्बैंड आता है, तो वो इनके साथ मार पिटाई करता है और इन्हें धक्का देके चला जाता है। अगले दिन ये अपनी क्लिनिक में होते हैं, तो वहां पे कायनाज आती है और बोलती है कि मुझे किसी ने आपका क्लिनिक रिकमेंड किया था और मुझे अपने दांत में कुछ दिक्कत है, वो सही करवानी है। बस यहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और कार्तिक आर्यन को कायनाज से प्यार हो जाता है। तो वो उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके उससे फोन पे बातें किया करता है, और वो खिड़की में आके वो कहती है कि मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तुम मुझे रात में फोन नहीं किया करो। और तो और एक बार तो कार्तिक आर्यन अब उसके हस्बैंड जब मार रहा होता है कायनास को, वो देख भी लेता है। तो अचानक एक दिन फ्रेडी कायनास को बोलता है कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर नजर रखी हुई है। तो बोलता है नहीं, मैं तो तुमसे मिलूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उससे एक गार्डन में मिलने आती है, तो वहां पे बैठ के कार्तिक आर्यन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारे यानी कि हमें तुम्हारे हस्बैंड को मारना पड़ेगा। तो वो ये सोच के काफी हैरान रह जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। तो कहता है कि और तुम्हारे पास कोई रास्ता है या नहीं? तो कहती है नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ये सिर्फ काम मैं ही करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है ये काम सिर्फ मैं ही करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो फ्रेडी सुबह ही सुबह अगले दिन उसे अपनी कार से कुचल देता है और वो अपने फार्म हाउस चला जाता है, वहां जाकर अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह करवाता है, और बड़ा खुशी खुशी वहां से जब कायनास के घर आता है, तो जब बेल बजाता है तो बेल बजाते ही कायनास तो नहीं आती है, एक लड़का आता है। लड़का दरवाजा खोलता है तो अंदर से आवाज आती है बेबी, तो फिर कायनाज आती है। वहां से कहानी की पलट होती है। अब वहां पे क्या दिखाया गया है, वहां पे ये दिखाया गया है कि जो आजकल आपने क्राइम पेट्रोल और सीआईडी वगैरह और थ्रिलर एपिसोडों में देखा होगा, क्या होता है कि एक लड़की की शादी हो जाती है जबरदस्ती, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मार रहा होता है। अब वो लड़की किसी से प्यार करती है लेकिन उसके अंदर इतना दम नहीं होता कि वो उसकी शादी को तुड़वा सके, तो वो एक ऐसा बंदा सेट करती है जो उसका ये काम कर सके। तो वो डॉक्टर के जरिए अपने पति को मरवा के उसको दोषी साबित कर देती है और अपने इस लवर के साथ रहती है। तो ये देख कार्तिक आर्यन हैरान रह जाता है। बस यहीं से तो मूवी की कहानी शुरू होती है। तो कार्तिक आर्यन को जब ये पता चलता है कि वो उसे धोखा दे रही थी, तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे एक बार सॉरी बोल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो वो सॉरी नहीं बोलती, उल्टा उसे दोषी करके उसे अपने घर से बाहर निकाल लेती है। अब कार्तिक आर्यन उससे बदला लेता है। उससे किस तरीके से बदला लेता है, उसके घर में को भी कुछ कर देता है, उसकी खाने की चीजों में कुछ मिला देता है, उसकी क्रीम में कुछ मिला देता है। तो इस तरीके, और पुलिस भी उन्हीं दोनों को, मतलब कायनास को और उसके लवर को दोषी ही मानती है कि इन्होंने ही मारा होगा अपने पति को, एक डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। अब अंत में कार्तिक आर्यन कायनास को फोन करता है और कहता है कि जो भी हुआ उसे जाने दो, अगर तुम अब भी मुझे सॉरी बोलते हो तो मैं अभी तुम्हें छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो अपने उसे किसी दूर फार्म हाउस पे बुलाता है, वहां पर इन दोनों को मार के वो दफना देता है। बस दोस्तों यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। कैमरा ऐसे ऐसे ऊपर आता है, कार्तिक आर्यन बीच में होता है, एक कबर इसकी होती है और एक कबर कायनास की होती है, मतलब एक कबर उसके लवर की होती है और एक कबर कायनास की होती है, बीच में खुद लेटा होता है, मतलब वो कबर नहीं होती, ऐसे ही कैमरा ऐसे ऊपर आता है,
ऐसे 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 ड्रोन कैमरा, वहां पे मूवी खत्म हो जाती है। अब एक्टिंग की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन की एक्टिंग का जवाब नहीं इस मूवी में, बिल्कुल करीब से जो उनके लुक्स आए हैं बिल्कुल भी कैरेक्टर से बाहर नहीं हुए। हालांकि मैं भी एक एक्टर हूं तो मैंने जब उनको करीब से एक्टिंग करते हुए देखा तो एक ऐसा लगा कि हाँ ये बंदा कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा कैरेक्टर में जमा हुआ है। जितने भी सीन हुए सेम टू सेम एक ही जगह एक ही कैरेक्टर झलका होता है। तो ये चीजें बहुत कम एक्टरों में होती हैं जो कि कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए आगे तक लेके जाए। बात करें इस मूवी की कहानी की, कहानी बहुत जबरदस्त है। मैं तो कहता हूँ इसे डिज्नी हॉट स्टार की जगह मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह अगर इस मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता तो बहुत अच्छा बिजनेस करके देती। तो वेल, आपने इस मूवी की पूरी कहानी तो सुन ही ली होगी, तो अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है उबेद और आप देख रहे हैं खान उबेद। दोस्तों, इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया हो तो ये वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।